Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the Editorial Analysis Initiative. 26 December 2020 का एडिटोरियल है. आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी. कंटेक्स्ट ये है कि एक एक्टिविस्ट जुडिशरी मिसयूज कर सकती है आर्टिकल 356 का. रिसेंटली अक्टूबर 2020 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को बोला टू कम प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू ऑन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. यानी आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, इस इशू पर डिबेट करने के लिए हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को बुलाया. आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने इसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के इस जजमेंट को स्टे कर दिया है और इसे अनफॉर्चुनेट बोला है. ऐसा क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्लिया दी थी कि हाई कोर्ट का इस तरीके का जो बिहेवियर है ये वायलेट करता है द सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन क्या है? इसका मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनकी पावर सेपरेटेड है और ये एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे. तो इस सिचुएशन से एक कंसर्न अराइज होता है कि क्या जुडिशरी हाइपर एक्टिविस्ट बन रही है. आइए इसे जानते हैं डिटेल में. सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 356 के बारे में. एज पर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है तब आर्टिकल 356 इम्पोज हो सकता है. आर्टिकल 356 इम्पोज करते हैं प्रेसिडेंट जब उनको रिपोर्ट मिलती है गवर्नर के द्वारा या फिर अदरवाइज ही सेटिस्फाइड कि किसी भी स्टेट में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहा है. इस सिचुएशन में आर्टिकल 356 इम्पोज होता है. आर्टिकल 365, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कोई भी स्टेट को फॉलो करने होते हैं ऑल द डायरेक्शंस गिवन बाय यूनियन गवर्नमेंट. अगर जो स्टेट फेल होता है इनको फॉलो करने में देन ऑल्सो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड. सो हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल. व्हेनेवर द स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज अ सीएम. जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेचर एक सेट टाइम पीरियड के अंदर एक सीएम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं कर पाती है तभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है. सेकेंड, जब भी एक कोलेशन गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से जो सीएम की पार्टी है इट इज़ हैविंग माइनॉरिटी सपोर्ट. थर्ड, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है हाउस में यानी देर इज़ लॉस ऑफ मेजॉरिटी फॉर द रूलिंग पार्टी इन द असेंबली. एंड फोर्थ कंडीशन, जब भी इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है ड्यू टू एनी वॉर एपिडेमिक और एनी नेचुरल डिजास्टर, इन सब कंडीशंस में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो सकता है. एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए, आर्टिकल 356 में एक क्लॉज है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या फिर अदरवाइज. अदरवाइज का मीन्स अपने डिस्क्रिशन से. तो जो ये टर्म है यहाँ पे अदरवाइज, इससे रिलेटेड कुछ डिबेट है, इसे अभी जानेंगे थोड़ी देर में. अभी हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में. प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ और इसे मैक्सिमम 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हर 6 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है. एंड प्रेसिडेंट इसे किसी भी टाइम पे रिमूव कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अब जानते हैं कि आर्टिकल 356 से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है. जो आर्टिकल 356 है इट वाज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जब हम इसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर रहे थे तब उस टाइम के जो लीडर्स थे मैनी ऑफ द लीडर्स ने इसे अपोज किया था. इन्होंने कहा था ये एक तरीके का ड्रैकोनियन लॉ हो जाएगा, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी डिक्टेटरशिप रहेगी और वो स्टेट्स के फंक्शनिंग को हैम्पर करेगी. बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली अप्रूव कर लिया था इसका इंक्लूजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमने जो वर्ड अदरवाइज देखा था इसके ऊपर भी एक डिबेट है. जो ये वर्ड है अदरवाइज, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है. एक वियर्ड एग्जाम्पल है बट ये है कि अगर प्रेसिडेंट को ड्रीम भी आता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है तभी भी उनके पास ये पावर है, डिस्क्रिशन है स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करने का. तो जो ये पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडियल्स को निगेट करती है और यूनियन गवर्नमेंट को एक अनब्रिडल्ड पावर देती है टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. इससे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ऑटोनॉमी रिड्यूस होती है एंड विच इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर ऑफ द कंट्री. अभी हम देखते हैं मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356. जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से अभी तक मोर देन 125 टाइम्स आर्टिकल 356 का यूज़ हुआ है. जबकि खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि ये सिर्फ एक प्रोविज़न है जिसका यूज़ स्पेयरिंगली होगा, यानी बहुत कम होगा और ये डेड लेटर है. बट डिस्पाइट दिस हमने देखा है कि दिस आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस. जबकि ये देखने को मिला है कि जेन्युइन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा ये पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया गया है कंट्री में.
उस एडिटोरियल में ऑथर बोलते हैं कि देर इज़ अ नीड टू डिलीट द वर्ड अदरवाइज फ्रॉम आर्टिकल 356, जिससे ये प्रोविज़न बहुत कम लिमिटेड यूज़ हो पाएगा इसका। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट का कि वट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर्स देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है फॉर जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू मतलब कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव किस हिसाब से काम कर रहे हैं इसका रिव्यू करना और उनके कोई भी एक्शन लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को नल और वॉइड प्रूफ करना अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो एक पॉजिटिव पावर थी जो जुडिशियरी के पास है। इसका पॉजिटिव यूज़ हमें देखने को मिला है कि जुडिशियरी ने अपहोल्ड किए हैं राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड उनको प्रिजर्व किया है। बट इससे रिलेटेड ये कंसर्न भी है कि अगर जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू की पावर से आगे बढ़ के जुडिशियल एक्टिविज्म पे उतर आती है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उस पर अगर कोई भी जजेस अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल बिलीव्स या फिर एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से किसी भी जजमेंट की अपने हिसाब से अगर इंटरप्रिटेशन करते हैं फिर उसे इम्प्लाई करते हैं डेमोक्रेसी में, तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो समटाइम्स इट इज़ सीन दैट कि जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म एग्जीक्यूटिव की पावर को ओवर स्टेप करता है। जैसे अभी जो ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव की पावर को ओवर स्टेप कर रहा है या फिर हैम्पर कर रहा है। तो कॉन्स क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के? जुडिशरी अगर अनलिमिटेड पावर एज्यूम करेगी या फिर अपनी पावर्स को सरपास करेगी तब इट कैन लिमिट द फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट। जो जुडिशरी के जजमेंट हो सकते हैं इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल बाइजेस ऑफ द जजेस, उनका कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकता है या फिर कहीं पे कुछ सेल्फिश मोटिव्स हो सकता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा कुछ कलर्ड जजमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। फर्दर क्या हो सकता है, अगर इस तरह का कोई कलर्ड जजमेंट रहता है तो वो एक एग्जाम्पल की तरह, यानी एक रॉन्ग एग्जाम्पल की तरह आगे के केसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर कोर्ट इस तरह से रिपीटेडली इंटरवेंट करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे जो पीपल हैं, कॉमन पीपल है स्टेट के, उनका अपनी गवर्नमेंट से या फिर डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग से विश्वास उठ जाएगा। और क्या कंसर्न है आर्टिकल 356 और एक एक्टिविस्ट जुडिशरी के ऊपर? किसी भी लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 जैसा कोई प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। इस प्रोविज़न से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है जिससे वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। सो एक तरीके से 356 के मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो दिखाई दे रहे हैं कंट्री में। जुडिशियल एक्टिविज़म कुछ केसेस में बहुत सही है बट इट शुड बी यूज एज रेयर एक्सेप्शन। बट एक हाइपर एक्टिविस्ट जुडिशरी कंट्री के नॉर्मल फंक्शनिंग पे हार्म पहुंचा सकती है। फर्दर इससे क्या होगा, अगर जजेस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या पता स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे जजेस को अपॉइंट कर ले जो प्रो गवर्नमेंट हो, तो ये सिनेरियो भी हो सकता है विच कैन बी एन आफ्टरमैथ ऑफ हाइपर एक्टिविज्म। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जुडिशरी इंक्रीजिंगली एग्जीक्यूटिव माइंडेड होते जा रही है रेदर देन जो उनका रोल रहा है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक फाइन बैलेंस की ज़रूरत है बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक मिडिल पाथ होता है कि अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना और एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस हैं उसको भी रिस्पेक्ट करना। तो इसीलिए एक फाइन बैलेंस की ज़रूरत है बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। एंड जो पॉसिबिलिटी है मिसयूज़ की आर्टिकल 356 की, ये हाईली डिमिनिश हो सकती है अगर सिटीजन्स में अवेयरनेस बढ़ जाए, कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जिससे पॉलिटिकल एनिमिटी ना बढ़े और प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म हो। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।